हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ। रिसेंटली यूपीएससी ने एक प्रेस रिलीज़ किया है 28 जुलाई को, अभी फ्राइडे को ही किया है। तो हम इस वीडियो में यूपीएससी के उस प्रेस रिलीज़ को समझेंगे और अब हम देखेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम अब प्रेस रिलीज़ को ढंग से एनालाइज़ करें, जो यूपीएससी ने प्रेस रिलीज़ किया है, एक एक आर्ग्यूमेंट को काउंटर कर दिया है। जो भी सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड र्यूमर्स चल रहे थे, या हम कहते हैं डाउट्स चल रहे थे या एलिगेशंस चल रहे थे, क्योंकि अभी कुछ भी इस्टेब्लिश तो हुआ नहीं है, तो अभी मैं वर्ड डाउट्स यूज़ कर रहा हूँ, नॉट एलिगेशंस, मैं डाउट्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो जो सोशल मीडिया पे डाउट्स चल रहे हैं रिगार्डिंग एपीएफसी पेपर, हमें नहीं पता लीक वीक है कि नहीं, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड लीक, आई एम यूजिंग द वर्ड डाउट्स। जो डाउट्स चल रहे हैं एपीएफसी एग्ज़ाम को लेके, यूपीएससी ने क्लियर कर दिया है इस प्रेस रिलीज से। अपना स्टैंड यूपीएससी ने एकदम क्लियरली दे दिया है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि यूपीएससी का क्या स्टैंड है, यूपीएससी बोर्ड क्या कहना चाहता है इस प्रेस रिलीज़ के थ्रू। 28 जुलाई 2023 फ्राइडे, र्यूमर्स आर डूइंग राउंड्स इन सोशल मीडिया अबाउट सैबोटाज इन असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम कंडक्टेड बाय द कमीशन ऑन 2 जुलाई 2023। फ्यू इमेजेस ऑफ पोर्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हैव बीन अपलोडेड ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया पोर्टल्स आफ्टर द कॉन्डक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। यूपीएससी इज सेइंग दैट the scanned documents of APFC paper were uploaded on different social media handles, different portals after the conduct of exam. जो allegation, जो doubt था वो था before the exam was conducted. कुछ कुछ scanned copies were doing the rounds on social media. This was the doubt. But UPSC is saying this never happened. What happened? UPSC is saying few images of question papers, they were uploaded on different social media portals after the conduct of exam. After का मतलब हो सकता है UPSC is saying after 2 PM. ये 2 PM को exam began. 2 बजे के just बाद the images were uploaded. या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि 4 बजे के बाद images were uploaded. ये मतलब हो सकता है इस वाली लाइन का कि 2 बजे या 4 बजे के बाद images were uploaded. तो वो वाला जो doubt था कि 2 बजे से पहले image upload हो गई है, उसको counter करा है UPSC ने इस press release में। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या बोला यूपीएससी ने। लैक्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स वर इन द हैंड्स ऑफ ऑल दोज एग्जामिनीज हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन एंड द कमीशन हैड ऑल्सो अपलोडेड क्वेश्चन पेपर ऑन द वेबसाइट। सो कमीशन इज सेइंग कि मैंने तो खुद ही वेबसाइट पे पेपर डाल ही दिया था, जब एग्जाम 2 बजे के बाद जब लोग लिखना शुरू कर दिया था लोगों ने पेपर, तो मैंने खुद ही डाल दिया था वेबसाइट पे। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ है। 2 बजे के बाद अगर क्वेश्चन पेपर वॉज सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया 2 या 4 बजे के बाद, सो इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। And the commission had also uploaded question paper on the website. Therefore, such inputs are neither credible nor actionable on the part of the commission. So UPSC is saying कि जो allegations लग रहे हैं या जो doubts हैं लोगों के दिमाग में, candidates के दिमाग में, कि पहले ही question paper out हो गया था, scanned copies were doing the rounds before 2 PM, they are baseless, they are not credible, and UPSC will not take any action on this argument. इस argument को उसने खारिज कर दिया UPSC ने अपने first paragraph में। Now moving on to second paragraph of the press release. Nevertheless, the commission noted this event and did a complete scrutiny of the processes and checks of the examination in all the centers. All centers matlab 79 centers jahan par exam hua tha, all over India 79 centers mein UPSC ne complete scrutiny of processes and checks kar liya hai. UPSC is claiming that across the country nothing worthy of suspicion was found. UPSC is saying ki unhone checks aur processes ko verify kar liya hai, scrutinize kar liya hai, and nothing suspicious was found. Also, as a matter of abundant caution, it analyzed the data of the results of the examination at all the levels of merit list to find any unusual trend. वाला जो doubt है, unusual trend वाला, ये कौन सा वाला doubt है? ये वही वाला doubt है कि 50% selection खाली 4 ही centers से हुए हैं 79 centers में से, मतलब 75 centers में से बहुत कम selection हुए हैं, बस 4 ही center ऐसे हैं जहाँ से 50% लोग चले जाएंगे interview देने APFC का। तो ये एक अनयूजुअल ट्रेंड है, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इन 4 सेंटर्स से 50% लोग जा रहे हैं इंटरव्यू देने, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी नहीं हुआ है, AOU एग्जाम में भी नहीं हुआ है। तो ये एक अनयूजुअल ट्रेंड है जो देखा गया है। और एक और अनयूजुअल ट्रेंड है कि एक ही क्लासरूम से 3-4 बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, ये भी एक अनयूजुअल ट्रेंड है, क्योंकि APFC का अगर आप रिजल्ट देखोगे उसमें काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड है ना जो रोल नंबर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि एक ही क्लासरूम से 3 या 4 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं APFC में। तो ये एक अनयूजुअल ट्रेंड है, बट UPSC इज़ काउंटरिंग दिस आर्ग्यूमेंट, ये जो डाउट है, एंड UPSC इज सेइंग दैट
इट एनालाइज द डेटा, डेटा को एनालाइज किया है, डेटा एनालिटिक्स यूज किया है यूपीएससी ने, डेटा साइंस, डेटा को एनालाइज किया है द एग्जाम एट ऑल द लेवल्स ऑफ मेरिट लिस्ट टू फाइंड दिस अनयूजुअल ट्रेंड. इट वॉज क्लियरली ऑब्जर्व दैट द मेरिट पोजिशंस ऑफ क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स एट एवरी लेवल आर इन ऑर्डर एंड एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनीज. यूपीएससी कह रहा है कि ऐसा कोई अनयूजुअल ट्रेंड उसको मिला नहीं है, नहीं मिला ऐसा कोई अनयूजुअल ट्रेंड. उसने उन्होंने डेटा एनालिटिक्स यूज किया है, एनालाइज किया है. साइंटिफिकली यूपीएससी इज नॉट एबल टू प्रूव साइंटिफिक मेथड्स से डेटा एनालिटिक्स यूज करके हम यूपीएससी कुछ कह नहीं पा रहा है कि अनयूजुअल ट्रेंड मिला है कि नहीं. दैट इज वॉट द कमीशन इज सेइंग. मूविंग ऑन टू द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द प्रेस रिलीज. एज रिगार्ड्स टू मोर कैंडिडेट्स गेटिंग क्वालिफाइड फ्रॉम सम सेंटर्स, जो मैं आपको बता रहा था दैट 50% अराउंड कैंडिडेट्स चार ही सेंटर से क्वालिफाई हुए हैं. As regards to more candidates getting qualified from some centers, it is stated that in open competitions, this is not unusual. This is not unusual. No two exams can be compared on pro rata basis, and even the same exam in different years throw different data. UPSC ka argument is well taken. Hum log UPSC civil service exam, your UPSC AOU exam, or UPSC APFC exam ko compare nahi kar sakte. Ye keh raha hai UPSC isme. एंड जो डिफरेंट ईयर्स में एग्जाम हो रहे हैं, जैसे मैं आपको कह रहा था कि प्रीवियस ईयर्स में ऐसा कोई ट्रेंड देखा नहीं गया है कि इन्हीं चार सेंटर से 50% लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो यूपीएससी इज क्लियरली निगेटिंग द आर्ग्यूमेंट. वो कह रहे हैं कि डिफरेंट ईयर्स में जो एग्जाम हो रहे हैं दे थ्रो एंटायरली डिफरेंट डेटा, तो कंपेरेबल ही नहीं है. दिस इज एन आर्ग्यूमेंट वेल टेकन. यूपीएससी अपने साइड से अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है टू काउंटर ऑल द एलिगेशंस एंड ऑल द डाउट्स विच आर गोइंग ऑन इन सोशल मीडिया. देन मूविंग ऑन टू द लास्ट पैराग्राफ. ऑन द बेसिस ऑफ अ डिटेल्ड एंड थॉरो एनालिसिस ऑफ इवेंट्स एंड डेटा. इवेंट्स मतलब जो स्कूल में हुआ था, जो स्कूल स्टाफ था, टीचर्स थे, वहाँ पर भी यूपीएससी कह रहा है कि उन्होंने बात करी है, उन्होंने स्क्रूटिनाइज किया है, चेक्स एंड बैलेंसेस, प्रोसेसेस, सब कुछ उन्होंने देखा है. एंड डेटा, जो मैं आपको डेटा की बात कर रहा हूँ, जो अनयूजुअल डेटा हमें लग रहा था उसको भी यूपीएससी ने एनालाइज किया है. एंड बेस्ड ऑन दैट द कमीशन इज ऑफ द फर्म व्यू दैट रूमर्स डूइंग राउंड्स इन सोशल मीडिया आर बेसलेस एंड डिवॉइड ऑफ मेरिट. So UPSC has taken care of all the doubts and it has given good arguments against the allegations which were raised by some candidates on social media. तो अब ये सब हमने जान लिया, हमने प्रेस रिलीज को जान लिया कि UPSC ने कितना स्मार्टली और कितना साइंटिफिकली एंड यूजिंग अ वेरी गुड लैंग्वेज, वेरी गुड लीगल लैंग्वेज, UPSC has negated the arguments doing the rounds on social media. एलिगेशंस कह सकते हैं उनको, उनको डाउट्स कह सकते हैं, जो डाउट्स चल रहे थे लोगों के दिमाग में, उसको काउंटर कर दिया है वन बाय वन यूपीएससी ने इन चार पैराग्राफ्स में. तो हमने ये तो समझ लिया कि यूपीएससी की प्रेस रिलीज का क्या मतलब है. यूपीएससी ने अपने एंड से क्लैरिफिकेशन दे दिया है दैट कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है, जो भी र्यूमर्स हैं वो बेसलेस हैं, दे आर डिवॉइड ऑफ मेरिट, दे आर डिवॉइड ऑफ साइंटिफिक मेथडोलॉजी. And UPSC has not found anything unusual in the data as well as in the events. अब हम यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, हमारे next steps क्या होने चाहिए, आपके हिसाब से कौन कौन से routes available हैं, हम क्या कर सकते हैं next to respond to the press release given by UPSC, या फिर कोई RTI activist अगर हैं तो RTI activist किस तरह के सवाल UPSC से पूछ सकते हैं. वैसे it's in the discretion of UPSC to answer to RTI requests or not. RTI को डिनाई तो कर ही सकते हैं बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो. एंड अगर हम लीगल रूट लेते हैं तो कोर्ट भी रिजेक्ट कर सकता है हमारे पिटिशन को, हमारी प्ली को, सेइंग दैट यूपीएससी इज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड यूपीएससी हैज ऑलरेडी स्क्रूटिनाइज द एंटायर प्रोसेस एंड यूपीएससी हैज नॉट ओनली स्क्रूटिनाइज द इवेंट्स, इट हैज ऑल्सो एनालाइज द डेटा एंड यूपीएससी हैज नॉट फाउंड एनीथिंग अनयूजुअल, तो द कोर्ट कैन ऑल्सो रिजेक्ट आवर पिटिशन. तो हमें ट्राई करना है, हमें अपनी होप्स भी अलाइव रखनी है, but we have to respect the dignity of the institution and we also have to respect the judgment made by the court. Agar court keh raha hai ki UPSC ultimate authority hai, competent hai, to fir iske beyond hum kya hi kar sakte hain, legal route fir hamara band ho jayega. Aapke dimag mein aur kaun se routes aa rahe hain, kaun se next steps aa rahe hain, action agendas aa rahe hain jo candidates le sakte hain, wo aap please niche comment section mein aap bata dijiye. एंड अगर आपको ये प्रेस रिलीज चाहिए ये यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसको निकाल सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. एंड कोई और अपडेट होगी तो मैं आपको पोस्ट या वीडियो के थ्रू बता दूंगा एज यूजुअल. एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर. आई हैव अ डिस्क्लेमर टू मेक. व्हाटएवर आई एक्सप्रेस इन दिस वीडियो, इट हैज नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट हैज नथिंग टू डू विद ईपीएफओ, इट इज़ नॉट माई पर्सनल ओपिनियन.
कोई पर्सनल वेंडेटा भी नहीं है, कोई र्यूमर या सोशल मीडिया मॉन्गरिंग या एलिगेशंस को लेके नहीं है। ये एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जो यूपीएससी ने प्रेस रिलीज निकाला है उसी के ऊपर हम एक बस एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए है ये वीडियो। दिस इज़ माई डिस्क्लेमर। थैंक यू सो मच।